तो गाइस जहाँ पे अभी हो रही है सफेदी वाइट वॉश नहीं, यहाँ पे ब्लू वॉश हो रहा है अभी वाइट वॉश के ऊपर ब्लू वॉश हो रहा है। तो जी मैंने अपने इनको क्या बोलते हैं जो भी छत थी जो नीचे इसकी लकड़ियाँ लगाई गई थी उसको मैंने अपना कलर लगा दिया है इस तरह का। और ये मेरा काम कंप्लीट हो गया और इनका भी चल रहा है तरह से हो रही। ये कितना गंदा लग रहा है दरवाजा है, कलहड़े की तरह इसकी शेप यहाँ से दिखाई दे रही है, लेकिन ये बहुत मस्त लग रहा है मुझे। यहाँ से काम हो चुका है और यहाँ पे अभी अंदर पेंडिंग है, बाहर का हो गया है। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों, शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको पूरा जो है हम ब्लॉग दिखाएंगे। और ये शादी की तैयारी का सेकंड डे चल रहा है और इसी के साथ अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हाँ जी, यहाँ पे मेरा बिल्ला सोया है सुबह सुबह, देखो कितना मस्ती है सोया है। पूरी नींद में मस्त हुए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाबा नागदेव स्थान में, जहाँ पे अब हम शादी की धाम जो होती है, धाम क्या मतलब कार्ड देने जा रहा हूँ मैं बाबा नाग को। घर से निकल चुका हूँ अभी और इसमें कार्ड है, गुड़ है और रुपा वगैरह है जो हम अपने कुलदेव बाबा नाग जी को चढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरे पीछे का जो भी जितने भी डूब आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत आ रहा होगा। और अभी हम बाबा नाग के लिए जो डोनेशन का मांग रहे हैं, क्योंकि डोनेशन हमारा जो मंदिर है बाबा नाग देव का, वो काफ़ी सालों पुराना बुजुर्गों द्वारा बनाया गया था और वो अब डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए हम चंदा जो है वो का मांग रहे हैं। अगर जिस किसी के पास भी जितने भी कैपेसिटी है उसके अनुसार कोई दान करना चाहता है तो वो कर सकता है। हमने लिंक वगैरह जो है वो डाल देंगे और उसके थ्रू हम इसकी गवर्नमेंट को लेके बहुत गंभीर हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा नाग देव के स्थान में और दिखाते हैं हम आपको वहाँ का जो भी व्यू है। और मेरे पीछे में ये सामने घर दिख रहा है आपको, वहाँ से आया हूँ मैं, और बाकी का जो व्यू है वो भी देख रहे हैं आप। और जहाँ से बाबा नाग की घर की सीढ़ियाँ हैं ये रास्ता जाता है, अभी यहाँ पे घास वगैरह हुई है बड़ी ज़्यादा, तो इसको निकाल के तो मैं बाबा नाग के नीचे पहुंच चुका हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप इतने मंदिर हैं, यहाँ पे तीन चार बनाए गए हैं। ये बाहर का ग्राउंड है बाबा नाग के बाहर का, मैं बाहर पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे ये हालात हो गई है इसकी और अभी हम इसकी मंदिर की रिकंस्ट्रक्शन के लिए चंदा जो है वो प्लान बनाया गया है। और आप लोगों को जितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी उतनी ही हम इसकी बेहतरी, बेहतर से बेहतर इसको रिकंस्ट्रक्ट करके एक अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, तो चलता हूँ अंदर।
यहाँ पे भी वाइट वॉश हो रहा है अंदर, और जहाँ पे किताबें वगैरह बहुत ज्यादा ढेर लगा हुआ है। एक जगह छोड़ो कभी, ये किसके फोटो है भाई? दिस फोटो इज बकीनाथ सराफ सिंह का फोटो है, और यहाँ पे अभी वाइट वॉश होगा। दैट इज दिस इज माई फोटो है, ये जब मैं 12th में पढ़ता था उस टाइम का फोटो है मेरा। यस, आप देख सकते हैं क्या बुक्स हैं, कंबल, फ्लावर, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे, और पूरा अंदर ही पूरा खिलार ही खिलार है। इस वक्त दिखा नहीं किया है, बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। मेरा बिल्ला हाथ में आ गया और ये डर गया है अभी। कुछ थी मम्मी।